हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारा कार्यपत्रक 19 है, पहल हिंदी कार्य पुस्तिका का, कक्षा 3 के लिए। इसमें सरल शब्द वाक्य लिख पाएंगे हम, जैसे बंदरिया घघरी पहनकर नाच रही है। इस वाक्य को आपको नीचे लिखना है, उसी तरीके से बंदरिया, अक्षरों की मोटाई ध्यान रखना, स्केच का प्रयोग जरूर करना आप, घघरी पहनकर नाच रही है, सुंदर लिखना आप। नेक्स्ट देखिए, भी इसी प्रकार 3 बार इस सेंटेंस को आपको रिपीट करना है। ये जो निशान है बंदरिया में लगा हुआ है, ये अनुस्वार है। क्या है भी? अनुस्वार। और जो जैसे चांद में लगता है वो अनुनासिक होता है। ये पहनकर है क्या? भी पहनकर नाच रही ये लिख दो या कोई दिक्कत नहीं आपको। आगे देखिए, भी दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, मोटे लाला फिसल गए। इसी प्रकार आपको यहाँ पर सेंटेंस लिखना है, मोटे लाला फिसल गए। वापिस लिख दो या आप, मोटे लाला फिसल गए, मोटे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आपको हिंदी की, इंग्लिश की और मैथ की वर्कबुक का संपूर्ण हल यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट कार्य पत्रक देखिए, कार्य पत्रक 20 है, उसमें भी हम सरल शब्द वाक्य लिख पाएंगे। जैसे बिजली चमक रही थी, दीदी की बरसाती खराब निकली। तो इस प्रकार उसी सेंटेंस को आप नीचे लिख पाएंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ पहले, अब इस प्रकार जरूर लिखते लिखते जाएंगे। बिजली चमक रही थी, दीदी की बरसाती खराब निकली, और ये विराम चिन्ह जरूर लगाएंगे। उसी प्रकार अगला है, भारतीय दीदी भीग गई और दीदी घर चलो। यहाँ पर क्या है भी? विस्मयबोधक चिन्ह है, यहाँ पर ये पूर्ण विराम है, इनका प्रयोग आप जरूर करोगे। देखिए भी, अब इस प्रकार इन वाक्यों को तेज के द्वारा जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।